मातरम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो आप देख रहे हैं शिक्षा खबर। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी, फाइनली इस वीडियो में हम बताएंगे आपका चौथी मेरिट लिस्ट का जो कि आप लोग का डेट आ चुका है। देखिए यहाँ पे जो कि सरकार का लेटर आ चुका है, गवर्नमेंट का लेटर आ चुका है। देखिए ये गवर्नमेंट का लेटर किस किस आईटीआई के लिए लिखा गया है और आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं चौथी चरण के लिए यानी चौथी मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी हो चुका है। किस डेट को आएगा सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें यूपीआई टी संबंधित जानकारी पाने के लिए, क्योंकि ये चैनल हमारे गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा चलाया जाता है। जैसे आप लोग को चौथी मेरिट लिस्ट में एडमिशन के लिए आप लोग को रैंक कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे सारी जो कि इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, और आप लोग को चौथी मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सब कुछ इस वीडियो में मिलेगी। आपका चौथी मेरिट लिस्ट का जो है कि डेट जो है कि कब तक आपका एडमिशन रहेगा सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें यूपीआई टी संबंधित जानकारी पाने के लिए। देखिए यहाँ पे समस्त मंडल, ठीक है, समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रतिक्षण, ये जो है कि आप लोग के राजकीय आईटीआई के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं समस्त प्रबंधक प्रधानाचार्य निजी औद्योगिक प्रतिक्षण राजकीय गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों आईटीआई के लिए ये जो है लेटर गवर्नमेंट द्वारा लिखा गया है। ये लेटर जो है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चौथे चरण निदेशक, ठीक है, ये आप लोग का जो कि लेटर आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन डेट आप लोग का कब तक रहेगा चौथे चरण के लिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चौथे चरण के आप लोग का जो डेट रहेगा ये 30 तारीख तक, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस बात में, 30/9/2019 तक दिए जाएंगे सूचित, ठीक है। आपको यहाँ पे एडमिशन डेट जो रहेगा आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट का आप लोग का 28 या 29 तारीख को आप लोग का चौथे मेरिट लिस्ट का जो है कि एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए चौथी मेरिट लिस्ट का जो है कि आप लोग का ये डेट नहीं मिलता है कि आप लोग का एडमिशन कब से स्टार्ट हो, क्योंकि चौथी मेरिट लिस्ट का हमेशा समाप्ति डेट बताया जाता है यानी अंतिम तिथि बताया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं 30/9/29 तक प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग का 30/9/2022 जो डेट है उसका अंतिम तिथि है, ठीक है। आप लोग 2 दिन पहले यानी जोड़ लीजिए 28 या 29 तारीख को आप लोग का जो है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट के एडमिशन होंगे। फोर्थ मेरिट लिस्ट के एडमिशन के लिए आप लोग कहाँ जाएंगे, अपने जिस आईटीआई में आप अपना जो है कि फॉर्म डाले होंगे, जो न्यू फॉर्म जो डाले होंगे स्टूडेंट जिस आईटीआई में डाले होंगे, अगर एक से अधिक आईटीआई में अगर वो अपना फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो नोडल आईटीआई या अपने ज़िले के मेन आईटीआई पे जाएंगे। नोडल आईटीआई जो है जैसे एक गवर्नमेंट आईटीआई हर एक जो कि ज़िले में रहती है उसे नोडल आईटीआई बोला जाता है। तो आप अपने नोडल आईटीआई में जाएंगे, वहीं पे 28 या 29 तारीख को आप लोग के जो कि चौथी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो स्टूडेंट अगर एक जगह एक कॉलेज डाला होगा उसको उसी कॉलेज पर जाके अपने चौथी मेरिट लिस्ट के लिए एडमिशन लेना होगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जो कि हमेशा एडमिशन समाप्त डेट बताया जाता है चौथी मेरिट लिस्ट के लिए। आप लोग का चौथी मेरिट लिस्ट जो कि scbtup.in पे नहीं आएगा, आप लोग का रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए scbtup.in के साइट पे आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय संस्थान व्यवसाय, ठीक है, वेबसाइट www.scbtup.in चौथी चरण के लिए रैंक कार्ड पर जो कि विकल्प करने के लिए इसी पंजीकरण रैंक कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये रैंक कार्ड डाउनलोड कैसे होगा और कब से स्टार्ट होगा, जैसे रैंक कार्ड का कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि रैंक कार्ड डाउनलोड करें। और देखिए आप लोग 28 और 29 तारीख तक आप लोग का जो है कि रैंक कार्ड भी वेबसाइट पर आ जाएगा। और रैंक कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं आप लोग के मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यूपीआई से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो पाए। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का जो एडमिशन है 28 और 29 तारीख को 2 दिन और 30 तारीख तक 3 दिन तक आप लोग का फोर्थ मेरिट लिस्ट का एडमिशन चलेगा। तो आप लोग अपने गवर्नमेंट आईटीआई में जाकर जो नोडल आईटीआई वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग चौथी मेरिट लिस्ट का ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।